गुजरात राज्य का नर्मदा जिला आज कोरोना मुक्त बना। आज आखिरी पेशेंट बादाम गांव की महिला श्रेया बहन पटेल को गोविंद अस्पताल में जो कि भर्ती की गई थी और पूरे मेडिकल स्टाफ ने तालियों से उनका अभिवादन किया। आरोग्य वैन की गाड़ी में बिठाकर उनको घर तक भी पहुंचाया गया। अभी तक 1100 तक टेस्ट नर्मदा जिले में किए गए थे और 12 लोगों के सिवाय तमाम लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। इसके साथ ही नर्मदा जिले के 12 पेशेंट स्वस्थ हो जाने से नर्मदा जिले में अब कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं रहा है, जिससे नर्मदा जिला कोरोना मुक्त बना है और धीरे धीरे ग्रीन जोन में प्रवेश कर रहा है। इसके बारे में एपिडेमिक अफसर डॉक्टर कश्यप का क्या कहना है, वह सुनिए। એને પણ ડિસ્ચાર્જ આપ્યા એટલે અમારા 12 જે પોઝિટિવ હતા 12માંથી 12 અમારા આજે સાજા થઈને રજા આપી અને હાલે અત્યારે કોઈ પણ પોઝિટિવ કેસ નથી। અને રહી નર્મદા જિલ્લાને ગ્રીન થવાની ગ્રીન ઝોનની વાત, તો 23 તારીખથી અમે 21 દિવસ ગણીએ એટલે નિયર 14 તારીખ સુધીમાં અમારો જિલ્લો ગ્રીનમાં કન્વર્ટ થઈ જશે અન્ટિલ અનલેસ કોઈ બીજો કેસ ના આવે તો। અને કામગીરી ચાલી રહી છે, પૂરજોશથી બધા ટેસ્ટો કરી રહ્યા છે, અત્યાર સુધી બધા નેગેટિવ જ આવ્યા છે કોઈ બીજો।